टोपी का आप 10-10 रुपया सब आदमी दे दीजिए, सब आदमी 10-10 रुपया दे दीजिए, तो ले लीजिए पैसा, टोपी रख लीजिए अपने। हम लोग प्रशासन को चेतावनी देना चाहते हैं कि 12-10 फरवरी
तक अगर भुगतान के लिए तिथि घोषित नहीं हो, नाम दर्ज मुजरिमों की गिरफ्तारी नहीं हो, तो 12 फरवरी को दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों हजार पूरे देश भर के निवेशक भूख हड़ताल करेंगे। दूसरी बात यह है कि स्थानीय जो मास्टर माइंड है संतोष कुमार गुप्ता नाम का व्यक्ति मुजफ्फरपुर में डेरिया के पास में गणेश विवाह भवन के पास वो अपना कार्यालय UGS निधि इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कार्यालय खोल करके फिर ठगी करने का काम कर रहा है। तो इन नामजदों को अतिशीघ्र पकड़ा जाए। स्थानीय पुलिस की जो लापरवाही है, कार्यालय चल रहा है, नाम से चला रहा है। लेकिन आए दिन वो ठगवाता रहता है 150 करोड़ रुपया। मुजफ्फरपुर से लोगों का ग्रीन चाचा और सोमन के नाम से ठगवा चुका है। अब उन्हें UGS नाम की कंपनी लेकर के आया। लेकिन हमारा मांग है कि नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो, चाहे कलकत्ता के रहने वाले हो। FIR देश में 48 FIR है, यहाँ भी सरैया थाने में FIR दर्ज है। लेकिन अभी तक जो कार्रवाई होनी चाहिए वो उचित कार्रवाई नहीं हुई है। कंपनी के लोगों के संचालकों के गैर जमानती वारंट कई FIRों में है। उसके अलावा कंपनी के कुछ लोग बताते हैं कि 4 FIRों में 82 के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। सेवी भी रिकवरी की कहता है लेकिन भुगतान की तिथि घोषित कोई नहीं करता। 10 फरवरी तक सरकार ने भुगतान की तिथि और नामजद आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया, तो हम लोग 12 फरवरी को दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार प्रशासन और उसकी होगी, पुलिस की। वेद प्रकाश कुशवाहा, मुख्य महासचिव, फील्ड वर्कर एवं निवेशक कल्याण एसोसिएशन। खाली निवेशक है, शुरू में एजेंट को ये कहा था हम आपका सहयोग करेंगे, लेकिन वो इतना सहयोग नहीं कर पाते। एक दो लोग आ जाते हैं। बोला हेलो।